गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल एक्सप्लेन अ न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर 14, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी तक हम लोग हीटिंग इफेक्ट पढ़ चुके हैं, आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर, द करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट बाय प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, राइट। तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी वायर के थ्रू, तो करंट कैरिंग वायर जो होता है वो एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव करने लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। इस वजह से वो वायर कैसे बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव करने लगता है, और इस इफेक्ट को उसका मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो पूरी बात आप लोगों को क्लियर हुई। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर के थ्रू पास होता है तो वो करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव करने लगता है, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है, और इसी को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। ठीक है, तो द डेनिश साइंटिस्ट, एक डेनिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम हैंस क्रिस्टियन ऑयस्टेड था, वॉज द फर्स्ट पर्सन टू नोटिस द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल एवरी टाइम द करंट वॉज पास्ड थ्रू द वायर। तो हैंस क्रिस्टियन ऑयस्टेड नाम के एक डेनिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने नोटिस किया जो कंपास होता है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पिक्चर एक कंपास का ही है। तो कंपास जो होता है उसकी जो निडल होती है वो हर टाइम जब उससे करंट पास होता है तो वो उसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो हैंस क्रिस्टियन ऑयस्टेड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही सबसे पहले इस चीज को नोटिस किया। ठीक है, वही एक सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने नोटिस किया कि जो कंपास की नीडल होती है जब करंट पास होता है तो वो नीडल में रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, नाउ अब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट को ही एक एक्टिविटी के थ्रू अच्छे से समझेंगे। ये आपकी बुक की एक्टिविटी है पेज नंबर 131 की। ठीक है, तो एम है हमारी इस एक्टिविटी का टू शो द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का शो करेंगे। ठीक है, तो जो मटेरियल इसके लिए हम लोगों को रिक्वायर्ड होगा वो कुछ इस तरीके से है, अ पीस ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर विथ बेयर एंड्स। ठीक है, एक हम लोग इंसुलेटेड कॉपर वायर लेंगे जिसके एंड्स जो होंगे वो कैसे होंगे, बेयर होंगे। ठीक है, कंपास लेंगे, मैग्नेटिक कंपास लेंगे, कनेक्टिंग वायर्स लेंगे, और इंसुलेटेड कॉपर वायर मैंने आपको बताया, और सेल स्विच। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग इस एक्टिविटी के लिए मटेरियल लेंगे, इंसुलेटेड कॉपर वायर, मैग्नेटिक कंपास, सेल स्विच एंड कनेक्टिव वायर्स, राइट। तो कनेक्टिंग वायर्स के साथ नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट अ थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर ए बी, ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये ए और बी मैंने बना दिया है, और ये कॉपर वायर है, टू अ सेल थ्रू अ स्विच बाय यूजिंग कनेक्टिंग वायर सच दैट द कॉपर वायर ए बी इज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये जो कॉपर वायर है हमारा वो हम इस तरीके से लेंगे, और इसको हम लोग सेल के साथ और स्विच के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्लोज द स्विच सो दैट एन इलेक्ट्रिक करेंट पासिस थ्रू द वायर ए बी, वॉट हैपन्स टू द मैग्नेटिक नीडल। पहले हम लोग देखेंगे, स्विच को क्लोज कर देंगे और
फिर ये जो मैग्नेटिक कंपस है इसकी नीडल में क्या चेंजेस आएंगे ये हम लोग देखेंगे। इसके बाद नाउ ओपन द स्विच सो दैट द करेंट स्टॉप फ्लोइंग इन द वायर एबी। ठीक है, तो इस तरीके से जो मटेरियल हम लोगों ने दिया अपनी इस एक्टिविटी के लिए उसको लेके हम लोग एक इस तरीके से सर्किट बना लेंगे और सबसे पहले हम लोग इसको स्विच को ऑफ करेंगे और ऑफ करके पहले देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है और ऑन करके देखेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसा कि स्विच ओपन यानी कि यहाँ पे सर्किट ओपन है। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है और दूसरी बार हम लोग जब देखेंगे तो क्या करेंगे इसको स्विच को क्लोज कर देंगे। ठीक है, ताकि ये हमारा सर्किट क्लोज हो जाए और इसमें करंट फ्लो होने लगे। तो अब हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे इसमें, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द वायर ए बी देन द नीडल ऑफ कंपास इज पैरेलल टू द वायर ए बी एंड पॉइंट्स इन इट्स यूजुअल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो जो कंपस है उसकी नीडल आप लोग देख रहे हैं नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही है, यानी कि जो हम लोग का वायर है कॉपर वायर उसी के ही डायरेक्शन में है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे होंगे। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इस स्विच को हम लोग क्लोज करेंगे। When the current is passed through the wire, the needle gets deflected from its original north-south direction and points is another direction. तो अब हम लोग इसको स्विच को क्लोज करते हैं, देख पा रहे हैं आप लोग। तो ये जब हम लोग स्विच को क्लोज कर देंगे यहां पे तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा, राइट। ठीक है, और ये जो नीडल है ये कैसी हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, व्हेन द करंट इन द वायर इज स्टॉप यू फाइंड दैट द मैग्नेटिक कंपास नीडल कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और जैसे ही हम लोग स्विच को फिर से क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जो नीडल है ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको इसमें समझ में आ गई होगी, जब हम लोगों ने स्विच ऑन किया तो क्या हुआ, जब हम लोगों ने स्विच को ओपन यानी कि जो सर्किट है हमारा उसको ओपन किया तो क्या था, करंट फ्लो होना बंद हो गई और मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही है। जब हम लोगों ने स्विच को क्लोज किया तो वैसे ही देखा कि करंट फ्लो करने लगा और जो कंपास की नीडल है वो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, है ना, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला, सो द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्टिविटी इज द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल शोज दैट द करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एंड प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, तो ये जो नीडल है कंपास की नीडल है ये इसका डिफ्लेक्शन क्या शो कर रहा है कि जब करंट कैरिंग वायर होता है वो किस तरीके से बिहेव करने लगता है, मैग्नेट की तरीके से बिहेव करने लगता है और अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। द करंट कैरिंग वायर लाइक एनदर मैग्नेट्स, है ना, तो करंट कैरिंग वायर जो होता है वो किसकी तरीके से हो जाता है, दूसरे मैग्नेट की तरीके से हो जाता है, अट्रैक्ट्स और रिपेल्स अदर मैग्नेट्स सच एज कंपास नीडल, और वो क्या करने लगता है,
और रिपेल करने लगता है दूसरे मैग्नेट्स को, जैसे कि कंपास की नीडल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों ने इस एक्टिविटी के थ्रू अच्छे तरीके से समझ लिया है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।